सुपर बात बच्चों, जैसे कि हमने कल लेसन पढ़ा था, आज हम उसके प्रश्न उत्तर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे अभ्यास का पहला क्वेश्चन है उच्चारण कुरु, हम इनका उच्चारण करेंगे और साथ में ही हम इनका हिंदी अर्थ भी देखेंगे। जैसे छात्र छात्र विद्यार्थी, गज हाथी, घट घड़ा, शिक्षक छात्र, मकर मगरमच्छ, दीपक दिया, मयूर है मोर, विडाल है बिलाव, अश्व है घोड़ा, शुक है तोता, मुष्क है चूहा, चंद्र है चांद, बालक है बालक, चालक है ड्राइवर और गायक है गायक, गीत गाने वाला। इसके बाद देखो छह नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत, कि चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। जैसे जो पिक्चर दी गई है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, जो चित्र दिया गया है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो बताएं। देखो पहला जो चित्र है उसमें क्या होना है, किसान कृषक है, उसके बाद बेल वर्ष वह, बालू भलुक, मेंढक मंडुक, कबूतर कपोते, पलंग परियक, टेलीफोन दूरभाष, कौवा काक है और दर्जी सोचिक, ये इनके संस्कृत में नाम है। इसके बाद है वर्ण संयोजन पद लिखित, च धन अ च, श धन अ श, क धन ए क, चषक श धन औ शो शौ, च धन ई ची, क धन ए क, शोच शौच शोचिक। उसके बाद श धन उ, न धन अ, क धन औ, तो शुन कौ, फिर द धन आ धा, व धन ए व, त धन ए त, धावत। उसके बाद है व धन री व्री, द धन ध द, द धन आ धा व्री धा, फिर ग धन आ गा, ये धन ये, न धन त धन ई नीति, गायन ती। इसके बाद है छह नंबर जो क्वेश्चन है, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित है। पहले तो क्या दिया हुआ था, वर्ण विच्छेद दिया था, अलग अलग टुकड़े करके दिए हुए थे और उनको हमने एक किया। अभी हमको एक शब्द दिया, एक पद दिया और उसके अलग अलग टुकड़े करने हैं। जैसे लघु ल धन ए ल और ग धनु घु, शिवेति, श धन ई शी, व धन ये धन ए वे और त धन ई ती। उसके बाद वर्णा व धन ए व, र धन अण धन आ णा वर्णा, फिर कुकुरौ, क धन उ कु, क धन क धन उ ककु और र धन औ रो कुकुरौ, फिर है मयूरा, मैं धन ए मैं, ये धन उ यू और र धन आ रा मयूरा, बाल क, ब धन आ बा, ल धन ए ल और क धन ए कव, बाल का। इसके बाद तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तानि पूरयेत, एकवचन द्विवचन और बहुवचन उदाहरण के अनुसार लिखने हैं। जो आपको काले रंग के दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चन है और जो लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं वो आंसर है। चषक चषकौ चषका, वैसे ही बलिवर्द बलिवर्दो बलिवर्दा, सुन कह सुन कोह और सुन का, मृग मृगौ और मृगा, सोचि कह सोचि कौ और सोचि का, मयूर है मयूरौ और मयूरा। उसके बाद है चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखना है। जो पहला चित्र वो हाथी का, संस्कृत में क्या कहते हैं, गज, फिर कौवा, संस्कृत में क्या कहते हैं, काका, फिर चांद का चित्र दिया हुआ है उसको संस्कृत में कहते हैं चंद्र, उसके बाद ताला, संस्कृत में कहते हैं ताल है, और उसके बाद भालू भल्लुक है और बिलाव भी डाल है। अब हमने इसमें
चार जो क्वेश्चन है हमारे, उनके बारे में मैंने आपको समझाया। ये चार आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, लर्न करना है और राइट भी करना है। धन्यवाद।